गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 20, एयर वी ब्रीद, मतलब एयर जिसको हम ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। एयर यानी हवा हमारे आसपास सभी जगह है। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। एयर फिल्स अप ऑल द एम्प्टी स्पेसेस ऑन द अर्थ, ठीक है। एम्प्टी स्पेसेस मतलब खाली जगह। तो हमारे अर्थ में जितनी भी खाली जगह है, ठीक है, उन सभी जगह क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है, मतलब हवा भरी हुई है, ठीक है। यानी देखने में तो हवा हमको खाली लगेगी, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे क्या है? हवा है, ठीक है। इट इज़ इवन प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। यहाँ तक कि एयर वाटर में भी प्रेजेंट है, वाटर में भी एयर होता है, ठीक है। फ्रेश एंड क्लीन एयर हैज़ नो कलर, स्मेल और टेस्ट, ठीक है। फ्रेश एंड क्लीन मतलब जो साफ़ और सुथरी हवा होती है, ठीक है, उसमें ना तो कोई स्मेल होती है और ना ही उसका कोई टेस्ट होता है, ठीक है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट वेन विंड ब्लोज, ठीक है। हम हवा देख तो नहीं सकते, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। कैसे फील करेंगे? जब हवा बहती है ना, ठीक है, तो हमको फील होता है कि हवा चल रही है, हम बोलते हैं ना, ठीक है। तो वो सिर्फ फील होती है, हम उसको देख नहीं सकते। लेट इज़ डू एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर इज़ प्रेजेंट इन एन एम्प्टी बॉटल, ठीक है। तो खाली बॉटल में भी हवा भरी रहती है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे, ठीक है। चलो, क्या है एक्सपेरिमेंट? टेक अ ग्लास एंड ट्राई टू पुश इट स्ट्रेट इन टू वाटर, ठीक है। एक खाली ग्लास लेना और उसको सीधे, ठीक है, उल्टा करके सीधे सीधे पानी में डालने की कोशिश करना। तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप देखोगे कि इजीली ग्लास जो है वो पानी के अंदर नहीं जाएगा, उल्टा ग्लास जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ग्लास को हल्का सा तिरछा कर देना। जैसे ही तिरछा करोगे आपको एकदम से आवाज़ आएगी, ठीक है, बुड़बुड़ करके आवाज़ आएगी और पानी में से आपको बड़े बड़े बबल देखने निकलते हुए दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इजीली वो ग्लास जो है वो पानी के अंदर चला जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो खाली ग्लास थी, ठीक है, उसके अंदर क्या भरी हुई थी? एयर भरी हुई थी, ठीक है। तो जब हम ग्लास को स्ट्रेट पानी में डालने की कोशिश कर रहे थे, तो ग्लास के अंदर जो हवा थी वो पानी को ग्लास में आने से रोक रही थी, ठीक है। जब तक पानी ग्लास के अंदर नहीं आता, तब तक ग्लास पानी के अंदर नहीं जाती, ठीक है। तो ग्लास के अंदर की हवा पानी को ग्लास के अंदर आने से रोक रही थी। फिर जैसे ही हमने ग्लास को थोड़ा सा तिरछा किया, क्या हुआ? हवा को उसमें से निकलने की जगह मिल गई। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पानी था तो पानी हवा को ब्लॉक कर रहा था, निकलने नहीं दे रहा था, ठीक है। तो जैसे ही हमने तिरछा किया, हवा को निकलने के लिए जगह मिल गई, तो एक तरफ से हवा निकलने लगी और दूसरी तरफ जितनी हवा निकल रही थी उतना पानी ग्लास के अंदर जाने लगा, ठीक है। तो वो जो हमको बबल्स देखने को मिल रहे थे वही क्या थे? हवा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या होती है? हवा होती है, ठीक है। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, कॉम्पोजिशन मतलब हवा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं या हवा किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। चीज़ मतलब हवा भी मिक्सचर है, ठीक है। एयर जो है वो क्या है? मिक्सचर है। तो किन किन चीज़ों का मिक्सचर है? एयर इज़ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, ठीक है। एयर बेसिकली गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। हवा में क्या होती है? गैसेस होती हैं अलग अलग टाइप की, ठीक है। कौन कौन सी गैसेस होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। मेनली दो टाइप की गैसेस होती हैं जो सबसे ज़्यादा एयर में प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आप लोग डायग्राम में देख भी रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये ग्रीनिश पोर्शन जो है आपका, दैट इज़ ऑक्सीजन गैस, वो हमारे उसमें एटमॉस्फेयर में 21% है, ठीक है। और जो ब्लूइश पोर्शन दिख रहा है आपको, वो आपकी नाइट्रोजन गैस, और ये 78% है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस होती है एयर में तो वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। और उसके बाद में किसका नंबर आता है? ऑक्सीजन गैस का, जो कि कितना परसेंट है? 21%, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस ही एक ऐसी गैस है जिसको हम ब्रीद इन करते हैं, ठीक है। मतलब जो हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस जाती है हमारे बॉडी में? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो यही वाली गैस है 21% जो ऑक्सीजन गैस है, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होती है।
द रिमेनिंग 1% कंप्राइजेस वेरियस अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, क्रिप्टॉन एंड ओजोन। ठीक है, बाकी जो 1% आप देख रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सारी अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी गैसेस आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन और क्रिप्टॉन। ठीक है, तो समझ आया एयर किसे किसे मिलके बनी है। एयर जो है मिक्सचर है किसका किसका, दो से या बहुत सारी गैसेस का, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो किन दो गैसेस की है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। ठीक है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो है 21 और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है 78। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, डस्ट, पॉलन एंड जर्म्स। ठीक है, गैसेस तो होती ही हैं हवा में, साथ ही साथ उसके अलावा क्या क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पॉलन और जर्म्स, मतलब छोटे छोटे जर्म्स और जर्म्स भी होते हैं। ठीक है, वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये अलग अलग जगह में अलग अलग क्वांटिटी में हो सकते हैं। ठीक है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज सोर्स ऑफ रेन एंड स्नो। ठीक है, तो जो हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, ठीक है, यही किसका मेन रीज़न है, जो बारिश होती है, ठीक है, और जो बर्फबारी होती है उसका ही रीज़न है क्या, वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यही जो वाटर वेपर है वो कहाँ से आती है, अभी हमने लास्ट लेसन में देखा था जब हम वाटर पढ़ रहे थे, कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, है ना, मतलब सीज, ओशंस, रिवर, लेक, यहाँ से जो वाटर होता है वो सन हीट के कारण इवोपरेट होता है। इवोपरेट होता है तो ये कहाँ चला जाता है, एयर में चला जाता है ना। तो ये जो वाटर वेपर होती है एयर में वो किसके कारण होती है, वही जो वाटर बॉडी से वाटर इवोपरेट हो रहा है। ठीक है, और यही फिर ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, क्लाउड बनती है, फिर वापस से क्लाउड जब हैवी हो जाता है तो नीचे आता है। ठीक है, ठीक है, नाउ एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, उसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट जैसी लेयर है। ठीक है, मतलब अर्थ के सभी चारों तरफ एक तरीके की लेयर है, ब्लैंकेट की तरह, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड बाय अर्थ ग्रेविटी, और ये जो एटमॉस्फेयर है इसको किसने पकड़ के रखा हुआ है, अर्थ की जो ग्रेविटी होती है। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी मतलब मालूम है ना, जैसे ऊपर से आप कोई चीज़ फेंकोगे तो सीधे वो नीचे आती है। ऊपर क्यों नहीं जाती, क्योंकि अर्थ उसकी तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। ठीक है, तो यही जो अट्रैक्शन फोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, इस ग्रेविटी ने एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, जो लेयर एटमॉस्फेयर की, वो हमारे अर्थ को या हमको बहुत सारे बेनिफिट भी देती है। ठीक है, तो कौन कौन से बेनिफिट हमको होते हैं एटमॉस्फेयर से देख लेते हैं। सबसे पहले आप सोचो कि हम, ठीक है, ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं ना, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो क्या होता है, हमको ठंड नहीं लगती। ठीक है, उसी तरह जब हम धूप में होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी, धूप, तेज़ धूप लगती होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, फिर से अगर कोई कपड़ा है या स्कार्फ है तो हम उसको ओढ़ लेते हैं, उससे क्या होता है कि जो तेज़ धूप लग रही है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, उसी तरह जो अर्थ का ब्लैंकेट है यानी एटमॉस्फेयर है, वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। किससे किससे प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट बाय प्रिवेंटिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ सन्स हीट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सर्फेस। सबसे पहले जो सन से डायरेक्ट हीट आ रही है, ठीक है, तो बहुत सारा जो हीट है, ठीक है, उसको एटमॉस्फेयर क्या करता है, अर्थ तक पहुँचने नहीं देता। ठीक है, तो अर्थ से जो हीट आती है, ठीक है, अगर पूरी की पूरी हीट अर्थ तक आ जाएगी तो हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या करता है, जो एक्सेस हीट आती है, ठीक है, जो एक्सेस हीट आती है, ठीक है, उसको अर्थ तक आने से रोकता है। ठीक है,
जिससे अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती। सेकेंड इज़ एट नाइट इट प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम स्केपिंग इन टू स्पेस। ठीक है, अब जो सन से हीट आती है, हीट भी ज़रूरी है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट हमको हार्म करेगी, लेकिन थोड़ी बहुत हीट तो ज़रूरी है। ठीक है, तो रात के समय क्या होता है, जब सन नहीं होता, ठीक है, तो ये जो पूरा अर्थ है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, जब सन नहीं होता है तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, ठीक है, तो जितनी हीट अर्थ ने अब्जॉर्ब की है, जितनी क्वांटिटी अर्थ को चाहिए, वो सभी की सभी क्या हो जाएगी, स्केप हो जाएगी, मतलब बाहर स्पेस में चली जाएगी। ठीक है, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा कूल टेम्परेचर भी हमारे लिए सही नहीं है, हम रह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसको भी जाने से रोकता है कौन, एटमॉस्फेयर। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो अर्थ क्या हो जाएगी, जमने लगेगी। ठीक है, सभी जगह जम जाएगी, बर्फ़ हो जाएगा सब जगह, तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो सेकेंड बेनिफिट ये होता है। थर्ड क्या है, द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सर्फेस। ठीक है, तीसरा, जो सन से हीट आती है, हीट के साथ साथ एक और रे आती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, ये जो अल्ट्रावायलेट रे होती है, ये हमारी अर्थ के लिए या ह्यूमन के लिए, ठीक है, किसी के लिए भी हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है, क्योंकि ये इससे हमको स्किन डिजीजेस हो सकती है। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, इन सभी अल्ट्रावायलेट रे को अर्थ तक आने से रोकती है, और इस तरह से हमको बचाती है हार्मफुल रेज से। ठीक है, तो ये तो थे एटमॉस्फेयर के बेनिफिट्स। अब हम देख लेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, एयर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फर्स्ट इज़ इट ऑक्यूपाई स्पेसेस। सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, एयर क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, जगह घेरती है। एयर का वेट होता है, इट हैज़ वेट। ठीक है, एयर का वेट भी होता है। और थर्ड, इट एग्जर्ट्स प्रेशर, एयर प्रेशर भी लगाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एयर ऑक्यूपाई स्पेसेस। ठीक है, एयर कैसे स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब एयर कैसे जगह घेरती है। एयर इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड इट ऑक्यूपाई स्पेसेस। ठीक है, एयर जो है वो किस फॉर्म में होती है, गैस के फॉर्म में होती है, और वो जगह भी घेरती है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले देख लेते हैं। प्लेस वन डिफ्लेटेड बलून इनसाइड अ बॉक्स एंड क्लोज इट। ठीक है, बॉक्स के अंदर एक डिफ्लेटेड मतलब बिना फूला हुआ बलून रखो और बॉक्स बंद कर दो। ठीक है, तो आप देखोगे कि बलून इजीली उस बॉक्स में फिट होगा, लेकिन अब आप बलून फुला के रखो और बॉक्स को बंद करने की कोशिश करो तो बॉक्स बंद नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या प्रूव हुआ कि बलून का साइज़, ठीक है, हमने बलून में क्या भरा, एयर भरा, तो एयर भरने से बलून क्या हो गया, बड़ा हो गया, एक्सपांड हो गया। ठीक है, बलून की साइज़ बढ़ गई, तो एक्चुअल में ये बलून की साइज़ नहीं है, किसकी साइज़ है, ये एयर है जो बलून के अंदर हमने डाला। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझ आया कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब जगह घेरती है। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, एयर हैज़ वेट। ठीक है, मतलब एयर में भी वेट होता है। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज़ दैट इट हैज़ वेट। इन फैक्ट द वेट ऑफ एयर इज़ pressing on us, but we are not able to feel it because air is present inside our body too. ठीक है, एक्चुअल में एयर का इतना वेट है कि ये हमारी बॉडी को भी प्रेस कर रही है। ठीक है, हमारी बॉडी पर भी प्रेशर डाल रही है, लेकिन ये हमको फील नहीं होता। क्यों फील नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी एयर है। ठीक है, तो उससे अंदर की एयर और बाहर की एयर का जो वेट है वो बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी को जो एयर बाहर से प्रेशर लगा रही है वो फील नहीं होता। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखेंगे कि जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है, दो बलून आप फुलाइए और लकड़ी में दोनों तरफ बांध दीजिए, फिर आप देखेंगे कि दोनों को बैलेंस करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करिए, एक बलून को फोड़ दीजिए। जैसे ही आप बलून फोड़ेंगे तो जो लकड़ी है वो एक तरफ झुक जाएगी, किस तरफ झुकेगी, जो बलून फूला हुआ है उस तरफ झुक जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एयर में क्या थी, बलून में क्या थी, एयर थी। एयर की वजह से बलून में वेट आ गया और वो बलून जिस तरफ फूला हुआ था उस तरफ लकड़ी झुक गई। ठीक है, और इधर हमने क्या किया, फोड़ दिया बलून को, मतलब बलून से एयर निकाल दिया, तो वो साइड हल्का हो गया और वो ऊपर उठ गया। ठीक है, तो ये था
सेकेंड की एयर का भी वेट होता है। थर्ड हम देखेंगे एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, ठीक है, हवा भी क्या करती है, प्रेशर लगाती है। ये हम कैसे देखेंगे, देखो, फिल द ग्लास विद वाटर टिल द ब्रिम एंड शोज दैट नो स्पेस इज लेफ्ट, ठीक है, एक ग्लास लो, उसको पूरा अच्छे से पानी से भर दो, उसमें थोड़ी भी जगह नहीं होना चाहिए। अब क्या करो, एक कार्डबोर्ड लो और ग्लास के ऊपर जैसे पिक्चर में दिया है वैसे रख दो, ठीक है। उसके बाद अब ग्लास को उल्टा कर दो, ठीक है, और अपने हाथ से उस कार्डबोर्ड को सपोर्ट करो, ठीक है। अब धीरे धीरे अपना हाथ हटा दो, द कार्डबोर्ड रिमेंस इन द प्लेस एंड वाटर डज नॉट फॉल, ठीक है। तो आप जैसे ही अपना हाथ हटाओगे आप देखोगे कि कार्डबोर्ड हट नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है और ग्लास से पानी भी नहीं गिर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कार्डबोर्ड इज पुश्ड अप बाय द एयर अंडर इट एज द एयर ट्राइज टू एंटर द ग्लास, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि बाहर की जो एयर है, ठीक है, वो ग्लास के अंदर आना चाह रही है और इसलिए वो प्रेशर लगा ली ग्लास कार्डबोर्ड के ऊपर, ठीक है, प्रेशर लगा रही है, इस वजह से उसमें एक तरह का पुश हो रहा है और वो कार्डबोर्ड जो है वो गिर नहीं रहा है, ठीक है। तो इससे समझ आया कि एयर प्रेशर भी लगाती है, ठीक है।